हेलो गैलवियंस, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम यह जानेंगे कि गैलवे कार्ट ऐप से LCC का वाउचर हम कैसे रिडीम कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए आपके एंड्रॉयड फ़ोन में गैलवे कार्ट ऐप का होना अनिवार्य है। अगर आपके एंड्रॉयड फ़ोन में गैलवे कार्ट का ऐप नहीं है तो आप इसे गूगल प्ले स्टोर में जाकर इंस्टॉल करें। उसके बाद दोस्तों, गैलवे कार्ट ऐप को ओपन करें। आईडी और पासवर्ड की सहायता से अपने ऐप को लॉगिन करें। जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने ऐप को लॉगिन किया हुआ है। अब मुझे यहाँ पर प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है। दोस्तों, आप ध्यान रखें, आपको कम से कम 2000 रुपये RDP का प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है, प्लस LCC का जो वाउचर अमाउंट का वैल्यू है उतने का प्रोडक्ट आपको सिलेक्ट करना है। जैसे कि मान लेते हैं 2000 रुपये का प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और आपका LCC का जो वाउचर अमाउंट है वो 200 रुपये है, तो कम से कम आपको 2200 रुपये के प्रोडक्ट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब मैंने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया और ऐड टू कार्ट हो चुका है। ऐड टू कार्ट होने के बाद दोस्तों, आपको चेकआउट पर क्लिक करना है और आपको अपना एड्रेस सिलेक्ट करना है या फिर अपना एड्रेस मैन्युअली डालना है। दोस्तों, चेकआउट समरी के इस पेज पर आप देख पा रहे होंगे कि LCC वाउचर का एक बॉक्स आ रहा है जिसके साथ LCC का अमाउंट भी लिखा आ रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं मेरा LCC वाउचर अमाउंट 100 रुपीज़ बना हुआ है। दोस्तों, तो मुझे इस चेकबॉक्स पर क्लिक करना है अगर मैं इसे रिडीम करना चाहता हूँ। अगर मैं इसे रिडीम नहीं करना चाहता हूँ तो टिक करने के बाद रिमूव पर क्लिक कर सकते हैं या फिर आपको टिक ही नहीं करना है। दोस्तों, अब मुझे ऑर्डर कन्फर्म पर क्लिक करना है। जैसे ही मैं ऑर्डर कन्फर्म पर क्लिक करूँगा, मेरा ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा और मैं अपने LCC के वाउचर को रिडीम कर पाऊँगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आप इस प्रोसेस को समझ चुके होंगे। जय हिंद, जय गैलवे।